टीवी इंडस्ट्री में भी स्टार्स के बीच कई बार बवाल मचता खूब देखा गया। शो के सेट से कई बार एक्टर और एक्ट्रेस के बीच की नोकझोंक की खबरें आती रहती हैं। लेकिन एक्ट्रेस दीपिका सिंह ने तो अपने को स्टार को ही थप्पड़ जड़ दिया था, जिस पर काफी बवाल भी मचा था, और वो कॉन्ट्रोवर्सी आज भी उनके फैंस को अच्छे से याद है। ये किस्सा है साल 2015 का, जब दीपिका सुपरहिट शो दिया और बाती हम में काम कर रही थी। उस वक्त एक्ट्रेस दीपिका ने अपने को स्टार अनस राशिद को पूरी यूनिट के सामने जोरदार तमाचा जड़ दिया था। दीपिका ने अनस पर गलत तरीके से छूने के आरोप लगाए थे। वहीं अनस ने सिंटा एसोसिएशन को पत्र लिखकर दीपिका सिंह के खिलाफ शिकायत भी दर्ज करवाई थी, जिसके बाद सेट पर मौजूद स्टार्स और क्रू मेंबर्स काफी शॉक्ड रह गए थे। इस घटना के बाद अनस ने दीपिका के खिलाफ सिंटा एसोसिएशन में शिकायत की थी, जिसके बाद सिंटा ने दोनों एक्ट्रेस को बातचीत के लिए भी बुलाया था। हालांकि बाद में दोनों के बीच बातचीत हुई और मामला सुलझ गया। दीपिका ने इस मामले को लेकर बयान भी दिया था कि उनके बीच मामला सुलझ चुका है। एक्ट्रेस ने मामले पर सफाई देते हुए बताया था, अनस और मैं प्रोफेशनल हैं, हमारे बीच गलत फहमियाँ हुई थी जिसे हमने मिलजुल कर सुलझा लिया है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारे आपसी मतभेद स्क्रीन पर नजर आए और हमारे फैंस को इसका नुकसान झेलना पड़े। हमारी पहचान संध्या और सूरज से है, आज हम जो भी हैं इस किरदार के कारण है। साथ ही एक्ट्रेस ने ये भी बताया कि उन दोनों को एक दूसरे से माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि अगर उसी समय अनस उनसे माफ़ी मांगते तो ठीक होता, लेकिन माफ़ी मांगने का कोई फायदा नहीं है। अब बेशक ये मामला बाद में सुलझ गया था, लेकिन दीपिका अनस का ये विवाद आज भी उनके फैंस को अच्छे से याद है। आपको बता दें कि दिया और बाती हम शो 5 साल तक टीवी पर सक्सेसफुली चला था। शो में दीपिका और अनस संध्या और सूरज के किरदार में नजर आए थे, जिसे ऑडियंस ने काफी पसंद किया। शो में इन दोनों के अलावा नीलू वाघेला, कनिका महेश्वरी, अशोक लोखंडे भी मेन लीड में नजर आए थे।